हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपके एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज के डेट में ऑलरेडी आ चुके हैं पर अगर हम देखें एंटनी बेस से रिलेटेड ओके okay, इस वीडियो को जाके देखिए ओके okay, आपको सारी की सारी क्यों गिरावट हुई है इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है या क्या है एक बार आपको पूरा आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार ट्रेड की क्योंकि कार ट्रेड कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए आ रही है तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं बट उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है इन सभी वीडियोज़ को जाके एक बार देख लीजिएगा तो नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी और नॉलेज लेने के लिए किसी तरीके का पैसा नहीं देना सिंपल आपको वीडियोस पे जाना है देखना है अच्छी लगे तो लाइक करना है कमेंट करना है अगर कोई क्वेरीज हो तो बाकी अगर हमारी पेड सर्विस आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा यहाँ पर हमें पिंक करिए तो आपको वहाँ सर्विस से सर्विसेज से रिलेटेड बता दिया जाएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े सब्सक्राइब uh, जरूर कर दीजिएगा तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार ट्रेड की कार हम तो हमने यहाँ पर आपको बताया था बार बार कि ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा भागा भी था इसका अगर लोग की बात करें तो बारह सौ रुपए से लेके ये इसने एक फोर्टीन लगभग ढाई सौ रुपए की जंप अच्छी खासी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया था और अगर आप ये यहाँ पर देखे तो एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखे साढ़े चौदह सौ रुपए से बारह सौ बीस रुपए तेरह सौ बीस रुपए के आसपास लगभग एक सौ चालीस रुपए के आसपास ये शेयर अभी गिर भी चुका है ओके okay, और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है क्या बनता हुआ नजर आया इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे और इससे पहले हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो हम एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे तो सोलह सो अठारह रुपए बीस अगस्त शेयर आया था तो उसके बाद से कंटिन्यूसली गिरावट है गिरावट के बाद एक बेस बनाया बेस के बाद आप ये शेयर भागता हुआ नजर आया आपको हर बार इस वीडियो बना के कार्ड रेट से रिलेटेड आपको अच्छी तरह चीजें समझाई गई थी अगर हम यहाँ पर आज के डेट में देखे तो देखिए लगभग सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स की डिलीवरी

यहाँ पर अगर आज इफ एम नॉट के यहाँ पर पांच लाख गाड़ियों यहाँ पर पेंडिंग में पड़ी हुई है जो कि अभी उन्हें डिलीवरी करनी है बुकिंग यहाँ पर आई हुई है तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और यहाँ पर अगर बात करें उसमें ये जो ऑनलाइन यहाँ पर कार से रिलेटेड यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड जो काम करती हुई नजर आती है वो काम करती हुई नजर आती है कौन कार्ट्रेड टैक मतलब कार्ट्रेड टेक्नोलॉजी ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है एज वेल एज इसके आ, आ, यहाँ पर कॉम्पिटेटर है शेयर बाजार में नहीं है बट बाहर है बट यहाँ पर शेयर बाजार में इसे मोनोपोली का पूरा फायदा होता हुआ नजर आता है तो अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडर कंपनी विद कवरेज एंड प्रेजेंस अक्रॉस व्हीकल्स टाइप्स एंड वैल्यूएबल एडी सर्विसेज मतलब यहां पर अगर बात करें आपको किसी भी तरीके की कार चाहिए किसी भी तरीके का व्हीकल चाहिए बाइंग करनी है सेलिंग करनी है ओल्ड न्यू यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता हुआ नजर आएगा और उसमें आप प्राइस कंपेयर कंपेयर एज एज वेल सब चीज उसकी माइलेज यू कैन बिटवीन द द कार्स कार्स अगर बात करें यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं और अच्छे खासी एक कार ऑन द बेसिस ऑफ दे अगर बात करें रिव्यू के बेसिस पे पर ले सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें कंपनी इसके अलावा यहाँ पर बात करें सब्सिडीज है कार वाला आ, कार वाले आ, कार ट्रेड इसके अलावा श्रीराम ऑटो मॉल बाइक वाले कार्सचेंज ऑटो एंड एज वेल एज ये कंपनी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाती हुई नजर आती है और बिजनेस मॉडल यहाँ पर डायवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफाइड टाइप का यहाँ पर नजर आता है इसके अलावा इंश्योरेंस किसी को कराना है तो इंश्योरेंस भी यहाँ परोंग uh, uh, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाके तुरंत करा सकता है तो एक ऑनली प्रॉफिटेबल डिजिटल ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये यह है तो हिस्ट्रीट को आपको ध्यान में रखना होगा इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें छे करोड़ रुपए का मार्केट कैप है आरोपी यहाँ पर आरोपी तो अभी देखना बेकार क्योंकि वैल्यू अट्ठाईस का, का है जिसके आसपास ये यह शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं देखिए लॉन्ग टर्म के व्यू से तो नहीं कहूंगा बस शॉर्ट टर्म के व्यू से यहाँ पर एक शेयर काफी बेहतरीन नजर आता है टू डीएमए के नीचे चल रहा है फिफ्टी डीएमए के नीचे चल और हमेशा अच्छे स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ मिले तो हमें यहाँ पर एकोमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए मैंने पहले भी यहाँ पर आपको बताया था कार ट्रेड कार ट्रेड एक ऐसा स्टॉक्स है जो कि छह महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आपके पैसों को यहाँ पर डबल करता हुआ नजर आएगा आ, ये जिस तरीके की बुल मार्केट है और जिस तरीके से मैंने आईपीओ के ऊपर स्टडी करी है कि ये आईपीओ जब आते हैं तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स पहले गिरते हैं और गिरने के बाद जब भागना शुरू करते हैं तो पैसा डबल करते हैं अभी रिजल्ट आए नहीं है रिजल्ट आ जाएंगे तो एक बार हमें और क्लियर पिक्चर आती हुई नजर आएगी ये सारा डेटा यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आएगा तो अब एक अच्छा पिक्चर अच्छी क्लैरिफिकेशन मिलती हुई नजर आएगी इसके अलावा हम बात करें ईयरली बेसिस तो ईयरली बेसिस का यहाँ पर डेटा आपके पास है तो वो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से कंसिस्टेंट ग्रो पर करती हुई नजर आ रही है यहां पर पेंडिंग की वजह से इस साल का कम यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आया बट स्टिल कंपनी यहाँ पर अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे तो हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट भी यहाँ पर बैठी हुई है जो कि एक अच्छी बात है इसके अलावा हम यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्स की बात कर सकते हैं तो

ओके okay, और कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर बात करें यहाँ पर ये यह कंपनीज या फिर जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये कंपनीज है ये सारी की सारी यहाँ पर हमें नजर आती है इनके प्रोमोटर्स एफ आई की बात करें 16 परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग है डी की बात करें डी के पास 8.18 पॉइंट की होल्डिंग है और आई एफ एल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड इसके पास 1.22 परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है तो आपको बताना चाहता हूँ कि आई ने एफ करोड़ ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे वन या टू था मेरा फिगर यहाँ पर माइंड से उतर गया है किस में में और में जब उन्होंने उसमें प्रॉफिट जब बुकिंग करी और जब यहां पर शेयर बेचे तो उन्हें 50 मिलियन डॉलर का यहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था। तो इस चीज को समझने की जरूरत है यहाँ पर और चीजें देखिए तो यहाँ पर देखिए सेवेंटी पर परसेंट नजर आ रहा है पब्लिक के पास तो देखिए एफआई के पास 16 परसेंट डीआईस के आठ परसेंट यहाँ पर पब्लिक है किसके पास यहाँ पर नजर आती है, है नॉर्मल पब्लिक के पास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नॉन इंस्टीट्यूशन के पास एज वेल एज बात करें यहाँ पर ऑपरेटर और बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होंगे तो थोड़ा समझने की जरूरत है बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझने की जरूरत है चीज चीजों को और ये

भागता हुआ नजर आएगा और ऊपर की तरफ सबसे चीजें तो सोल, यह निकलती हुई नजर आती है लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नजारा टेक्नोलॉजी का नजारा टेक्नोलॉजी की बात करें शेयर यहां पर भागा फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया था इस शेयर को मैं यहाँ पर इन वीडियो बना के बार बार आपको बता रहा था चीजें थोड़ी सी ऊपर निकली फिर नीचे आई ओके यहाँ पर अगर हम देखे तो देखिए यहाँ पर मार्च से लेके अगस्त तक लगभग लगभग लग चार पांच महीने एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड किया फिर उसके बाद जब चीजें निकली तो आपका पैसा एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर डबल इसी तरीके से हम बात करें थोड़ा सा टाइम लगता है पर चीजें निकलती है तो इसे अभी कितना टाइम हुआ है इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 अगस्त मतलब दो महीने के आसपास हुए दो महीने के अंदर अंदर ये शेयर इस लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है थोड़ी चीजें भागेंगी फिर थोड़ी बहुत गिरेगी बट छह महीने के अगर इसे और टाइम देंगे तो ये शेयर यहाँ पर आपके पैसों को डबल करता हुआ नजर बट उनका पैसा डबल होता हुआ नजर आएगा जो यहाँ पर हर डिप को खरीदते हुए नजर आएंगे किसी ने ऊपर खरीद रखा है तो बायोन डिप्स करना पड़ेगा किसी ने यहाँ पर खरीद रखा है तो यहाँ पर तो जब ये चीजें भागनी शुरू करे तब यहाँ पर आप खरीदिए तो उसका और फायदा होता हुआ नजर आएगा बाकी ये चीजें अगर नीचे आती है तो और करके पर चीजों को अच्छा बनाया जा सकता है तो माइंड का यूज करके स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से चीजें एज वेल एज पहले एक बार रिजल्ट देख के क्योंकि अभी आई डोंट थिंक सो ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा जब तक इसके रिजल्ट नहीं आ रहे एक बार इसके रिजल्ट आ गया तो शायद ये शेयर फिर मूव करना शुरू करेगा और मूव करने के बाद एक साथ ही निकलता हुआ नजर आएगा या फिर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर

यहाँ पर चलती हुई नजर आती है और ऐसे स्टॉक्स आपको कल की डेट में बताऊंगा जो यहाँ पर एक बेहतरीन लेवल पर नजर आ रहे हैं और इसके बाद से ऊपर जाते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनकी पीएर्स कंपनी भागना शुरू कर दिया चीजें नीचे गिरती हुई नजर आ रही है तो वो एक कल की डेट में टून रही और ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स को नीचे लेवल पे पकड़ने के लिए हमें व्हाट्सअप पे पिंक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर है कॉन्टेक्ट करिए बहुत कम चार्जेस में बेहतरीन स्टॉक्स बताए जाते हैं बाकी आप उसकी भी जरूरत नहीं है आप हमारी वीडियो देखिए वो सबसे बेहतरीन है तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें शेयर करें हमें सपोर्ट करें जितना हमारे हमें आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन वीडियो डेली बेसिस पे बनाए करेंगे अभी दो वीडियो तीन वीडियो आती है फिर चार और पांच वीडियो बनाएंगे ताकि और भी स्टॉक से रिलेटेड आइडिया मिले स्टॉक मार्केट में कब एग्जिट करना है, उससे रिलेटेड आइडिया मिले सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस